नमस्कार, एस एम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है नेशनल दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार शंभू सिंह जी। शंभू जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो शुक्रिया। आप जगह जगह जाते हैं, आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी जगह के आपने देश का दौरा करके बहुजन समाज के बातों को सुना है और आपने बहन कुमारी मायावती की रैलियों को भी जाके वहाँ के व्यक्तिगत तौर पर देखा है। तो 2019 जो अभी रिजल्ट आए हैं एमपी के, राजस्थान के, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि 2019 का जो परिणाम रहेगा वो बहुजन समाज के किस पाली में रहेगा? देखिए, गठबंधन की राजनीति करनी होगी। सरकार किसी ने, बीजेपी की औकात नहीं है कि अकेले सरकार बना ले। 42 दलों से गठबंधन है जी। कांग्रेस को भी गठबंधन करना पड़ेगा और मायावती और बीएसपी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अगर आप कैडर वोट की बात करें तो वो बीएसपी के पास है जी। शंभू जी, एक बात बताइए, आज जो देश के अंदर इतनी सारी पार्टियां निकल के आ रही हैं, वो सारी की सारी मुझे कहीं लगता है कि वो बहुजन समाज को ही नुकसान पहुंचा रही हैं, तो क्या उसके लिए आप बोलेंगे? देखिए, ये बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। सवर्णों की यहाँ दर्जनों पार्टियां हैं जो सत्ता में हैं जी, लेकिन सारा सवर्ण किसको वोट देता है? वो सिर्फ बीजेपी को वोट देता है जी। तो ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को, कि पार्टियां भले 1000 हो, आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन आपको वोट किसको करना है ये आपको तय करना पड़ेगा जी। आपका मैं कई बार वीडियोज देखता हूँ तो उसमें आप मीडिया को कहीं वाद विवाद करते हैं कि मीडिया हमारे साथ नहीं, तो कौन सा मीडिया आपके साथ नहीं? जबकि मैं देखता हूँ कहीं भी होते हैं तो आप बहुत सारे मीडियाज में होते हैं, आप मंचों को भी रूपरेखा देते हैं, तो कौन सा मीडिया आपके साथ नहीं है उसके बारे में बताएं जरा। नहीं नहीं, कौन सा मीडिया नहीं, जो सोशल मीडिया है वो तो इंडिपेंडेंट है, सबके हाथ में है, सब अपने हिसाब से मीडिया चला सकता है। जो जिसको हम अखबार और टेलीविजन कहते हैं, जिस पर सवर्ण समाज का कब्जा है, वो उन्होंने, उनकी गाय है, वो दूध वही पिएंगे जी। तो जो लोग हमारे लोग का, सिर्फ हमारे लोग जो है उस गाय को चारा देते हैं, मतलब व्यूअरशिप देते हैं, टीआरपी देते हैं, और उसका दूध खा रहा है वही जो गाय पाल रहा है, तो बहुजन समाज को छोड़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों को बैकआउट करना पड़ेगा, अखबार टीवी बंद करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से जुड़ना पड़ेगा जो बहुजन समाज की बात करता है। मेरे को एक आखिरी सवाल आपसे शंभू जी पूछना चाहूँगा, इस वक्त की जो राजनीति चल रही है बहुत डिजिटल हो गई है, बहुत हाईटेक हो गई है, और आने वाले टाइम के अंदर 2019 के अंदर आप कौन सी सरकार देखना पसंद करेंगे या कौन सी सरकार को आप देखते हैं जो कि सरकार बना पाएगी 2019 के अंदर? सरकार कैसे सरकार बनाएगी, पार्टी की बात है, तो मैं जनता तय करेगी। मैं बहुजन समाज के नाते जरूर कहूँगा, जो संविधान में भरोसा रखे, जो आरक्षण के पक्ष में हो, जो जातिवाद खत्म करना चाहे, जो किसी भी तरह के भेदभाव नहीं करती हो, जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लाए, ऐसी पार्टियों को चुनना चाहिए। ये बहुजनों का एजेंडा हो, जो स्कूल खोले, कॉलेज खोले, सरकारी स्कूल कॉलेज खोले, अस्पताल बनाए, और जो जिससे कि बहुजनों का भला हो, जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दे, ऐसे लोगों को बहुजन समाज के लोगों को सत्ता में लाना चाहिए। शंभू जी, आपने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी भी देखी है, बीजेपी भी देखी है, लेकिन आप बसपा का कहीं नाम नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे? कि कहीं ना कहीं लगता है कि आपको 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, या जो संविधान की आरक्षण की बात करते हैं, जो संविधान को बचा सकते हैं वो बीजेपी बचा सकती है, कांग्रेस बचा सकती है, या बहुजन समाज पार्टी की बचा सकती है? पता नहीं, आपने मेरा वीडियो नहीं देखा, इसका मतलब मैं रोज बात करता हूँ, जिसको मान्यवर साहब कहते थे साफनाथ नागनाथ, बहुजन समाज को, बहुजन आइडियोलॉजी वाली पार्टी को ही सत्ता में लानी पड़ेगी। वो ऐसी पार्टियां कितनी है, 4 पार्टियां हैं, बसपा सबसे बड़ी पार्टी है, सपा है, आरजेडी है, डीएमके है, यही तो 3-4 पार्टियां हैं। बहुजनों के पास और पार्टी कहाँ है जी।